रे ऑप्टिक्स में पहला टॉपिक हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब वही है कि लाइट का बेंड होना, जब वो मूव करेगी रेयरर टू डेंसर या डेंसर टू रेयरर, तो वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। और ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन में सबसे बड़ा लॉ जो काम करेगा उसका नाम क्या है, स्नेल्स लॉ। हम स्नेल्स लॉ कर चुके हैं, हमने वेव ऑप्टिक्स में भी किया, फिर से बता देता हूँ कि अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है, अगर कोई रे ऑफ लाइट आई और सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू मीडियम में एंटर कर गई, ठीक है, तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल है। तो रे ऑफ लाइट बेंड हो जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और रिफ्रैक्शन कितना आर। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू इंटू साइन ऑफ आर, ये याद रखना है आपने। और साइन आई बाय साइन आर की जो रेशियो आएगी वो आएगी म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन। इसको ठीक ना करके लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि टू ऊपर है तो टू नीचे आ गया और वन नीचे है तो वन ऊपर आ गया। तो ये रूल है, तो जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो समझ लें, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं अकेला म्यू टू लिखता हूँ तो अंडरस्टूड है विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, एयर होता है। अगर मैं म्यू वन लिखता हूँ तो अंडरस्टूड है विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है। लेकिन यहाँ पर जब आप अरेंज करते हो, डिवाइड करते हो और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाते हो तो ऐसे बनता है कि टू ऊपर है टू नीचे आ जाता है, वन नीचे है वन ऊपर आता है। इसको ऐसे रीड करते हैं, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, नीचे से रीड करना है, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, इसको ऐसे रीड करना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो स्नेल्स लॉ कैसे लग रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक, इसके बाद जगह जगह स्नेल्स लॉ लगा के दिखाया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर कितना है आई वन और रिफ्रैक्शन कितना है यहां पर आर वन। तो ऐसे यहां पर क्या है आई टू और यहां पर क्या है आर टू। तो लगा लो पहली रिफ्रैक्शन में बोलो क्या लगेगा, म्यू वन इंटू कितना साइन ऑफ आई वन इज इक्वल टू म्यू टू इंटू कितना साइन ऑफ आर वन। तो इसको रीअरेंज करना है, रीअरेंज कर लो, साइन आई वन बाय साइन आर वन इज म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन, या ऐसे लिख सकते हैं म्यू वन नीचे है वन ऊपर आ गया, टू ऊपर है टू नीचे आ गया। क्या ये पॉइंट क्लियर, रीअरेंजमेंट क्लियर है? ऐसी नेक्स्ट सरफेस पे भी लग सकता है म्यू टू इंटू साइन ऑफ आई टू इज इक्वल टू म्यू थ्री इंटू साइन ऑफ आर टू। तो यहां से साइन ऑफ आई टू साइन ऑफ आर टू इज इक्वल टू म्यू थ्री डिवाइडेड बाई म्यू टू, रीअरेंज करो, टू ऊपर है टू नीचे ऊपर आ गया, थ्री ऊपर थ्री नीचे। तो ऐसा प्रैक्टिस करवा रहे स्नेल्स लॉ जो मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है यहां तक? तो और कुछ नहीं है, सेम ही चीज है, इसमें पढ़ने वाला कुछ नहीं है, बस ये प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। जैसे ऐसा भी लगा सकता है कंपाउंड प्लेट के ऊपर, कंपाउंड प्लेट क्या है, दो अलग अलग किस्म की प्लेट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, ठीक। तो सपोज ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये रिफ्रैक्शन क्या है यहां पर आर वन है, तो ये नॉर्मल है, ये आर वन है तो ये भी कितना है आर वन है, और ये कितना है ये आर टू है, ये आर टू है तो ये भी आर टू है। इसमें करना ही कुछ नहीं है, स्नेल लॉ लगाने को कह रहे हैं, म्यू ए इंटू साइन आई म्यू बी इंटू साइन आर वन, फिर अगली सरफेस पे म्यू बी इंटू साइन आर वन म्यू सी इंटू साइन आर टू, फिर अगली सरफेस पे म्यू सी इंटू साइन आर टू इज इक्वल टू म्यू ए इंटू साइन आई। तो इसमें कुछ याद करने वाला कुछ नहीं है, बस ये एक प्रैक्टिस है जो ऑलरेडी हम जब क्लास में करेंगे कोर्स तो स्नेल लॉ ही यूज होना है हर जगह, आपको वैसे याद हो जाएगा। हाँ, एक चीज जरूर याद करो इसमें, वो ये कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैंने आपको बोला वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास 3/2 है और मैं क्वेश्चन पूछूंगा ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा, तो आंसर क्या होगा 2/3। इसलिए क्योंकि जब आप इसे ब्रेक करते हो तो कैसे लिखोगे, वाटर नीचे है वाटर ऊपर और ग्लास ऊपर है ग्लास नीचे, ये रेशियो आ गई आपके पास। आप जब इसे ब्रेक करोगे तो कैसे लिखोगे ग्लास ऊपर वाटर नीचे, तो यानी कि ये इसका रेसिप्रोकल है, तो आंसर क्या आएगा 2/3। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो ये याद रखना, ये स्नेल्स लॉ है।